मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। प्रयागराज हिंसा हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 जून 2022 को प्रयागराज के अटाला में शुक्रवार की नमाज के बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को जमानत दे दी है। जावेद के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में मामला दर्ज FIR किया गया है। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने जावेद को एक चेतावनी के साथ जमानत दी थी कि वह ऐसा कोई संदेश पोस्ट न करे जो सामाजिक सद्भाव या राष्ट्रीय एकता को बाधित करता हो। प्रयागराज जिले के करेली थाने में दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले में अदालत ने 28 जनवरी को जावेद को जमानत दी थी। जानकारी के मुताबिक आवेदक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी ने तर्क दिया कि जावेद 10 जून 2022 से जेल में बंद है और इसी तरह के कई आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं, इसलिए वह भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। नकवी ने आगे कहा कि आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है जो देश की एकता और विभिन्न समुदाय के बीच सौहार्द को अपने दिल के बहुत करीब रखता है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।